बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 5 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंडल का मेरा दौरा है, मुझे विश्वास है पार्टी की एक सोच एक विचारधारा के बाद इसी के साथ ही विजय प्राप्त भी होगी। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीने सीएम रहे, उनका चेहरा एक बार भी किसी ने चंबल अंचल में नहीं देखा। बड़ा चुनाव है क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा ग्वालियर चंबल का। उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है कमलनाथ जी, पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहां कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है, कल कमलनाथ, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस प्रजातंत्र में किसी के भी काफले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूं, मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है।